बड़ा सारे नगर दोस्ती सुख दे भाई वार ने। सधारण परिवार विच जन्मे दीवान सिंह करनल, उन्हां दा पिंड प्रति प्यार है ते गुरसिक्खी प्रति प्यार है। देखो जद्दी पिंड पहुंचण ते किवें होया भरवा स्वागत। इतों ही फल मिलया, जो मिलया इतों ही फल झोली पाया ते नगर दियां सीसां लगियां। अज सब दे पक्षा महाराज ने कृपा की। गुरदासपुर के पिंड गादड़िया के एक सधारण परिवार च जन्म लैके सिपाही भर्ती होके पौड़ियां चढ़ते हुए करनल तक के अहदे ते पहुंचे करनल दीवान सिंह दा गुरदासपुर के जद्दी पिंड गादड़िया च पहुंचण ते उन्हां दे परिवार अते पिंड वासियां वालों पूरी गर्मजोशी नाल स्वागत किया गया। दीवान सिंह 1 जून नूं चंडीगढ़ विखे करनल दा अहुदा संभालणगे। करनल बनण तों बाद दीवान सिंह पहली बार अपने पिंड गादड़िया विखे पहुंचे तां हलका वासियां वालों उन्हां ते जगह जगह ते फुल्लां दी वरखा करके ढोल दी ताल उपर भंगड़े पा के उन्हां दे गल विच हार पा के उन्हां दा स्वागत किया गया। दीवान सिंह पिंड पहुंचण तों पहलां रास्ते च पैंदे तप स्थान बाबा संत बाबा हयारा सिंह निक्के घूमण विखे पूरे परिवार नाल नतमस्तक होए अते आशीर्वाद प्राप्त किया, जिथे गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्हां दे बेहतर भविख लई अरदास कीती गई। इस मौके ते तप स्थान बाबा संत बाबा हयारा सिंह निके घूमण तो मुख सेवादार बाबा अमरीक सिंह जी ने कहा कि ए बड़े मान वाली गल है कि साडे इलाके दा जवान अज एडी वड्डी पोस्ट ते पहुंचया। इस मौके दीवान सिंह पुत्र शिंगारा सिंह ने कहा कि उन्हां उपर बाबा जी दी कृपा हुई है जिस कारण वह इन्ने वड्डे अहुदे तक पहुंचे। सब तो पहला वह गुरुद्वारा साहब विखे नतमस्तक होए। उन्होंने कहा कि वह मिडल क्लास परिवार विच जन्मे अते 10वीं तक की पढ़ाई सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो की, फिर बटाला डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12वीं क्लास की, उस तो बाद फिर उन्होंने ग्रेजुएशन की जिस तो बाद फौज विच बतौर सिपाही भर्ती हो गए सी। अते आज अपनी मेहनत सदका ते वाहेगुरु जी की मेहर दे सदका वो इत्थों तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अज जिवें मेरे इलाके दे लोकां ने मेरा स्वागत किया है, उस तो उन्होंने अपने आप ते माण महसूस होया कि मैं कुछ बन के दिखाया है, जिथे उन्होंने नौजवान पीढ़ी नूं प्रेरित करते हुए कहा कि जेकर मन विच कुछ ठान लवो ते लगन ते मेहनत नाल अगे वधो तां किसी भी मंजिल ते पहुंचा जा सकता है। गुरुद्वारे दे विच अज करनल साहब बन के आए आ और नमस्तक होए आ। 1 तरीक उन्हां दी पोस्टिंग आ चंडीगढ़ दे विच, की कहना चाहोगे? ये जी पिंड गादड़ी विच पहले 5 स्कूल विच पढ़ के मुड़ के तो गोदरपुर विच पढ़ के ते इत्थे पहुंचे ने। गुरु की कृपा, बाबा हजारा सिंह की बख्शिश सदका, गुरु नानक की कृपा सदका, तो अज करनल ते उपर जा रहे ने ते चंडीगढ़ इन्हां दी पोस्ट 1 तरीक नूं। गुरु कृपा करे होर अहुदे बख्शिश करन। बड़ा सारे नगर दुख दी सुख दे भाई वार ने, सारे दुख सुख दे वेले साथ दिंदे ने। अज बड़ा संगत ने उन्हां नूं प्यार दिता है। गुरु होर कृपा करे। वाहेगुरु जी का खालसा, की कहना चाहोगे सर? हाँ जी, मैं प्रहलाद सिंह पिंड गादड़ियां तो निवासी हाँ जी। जो साढ़े सरदार दीवान सिंह जी अज करनल दे अहुदे ते आए ने, ये बहुत ही एक कह लो नचीजियों चीज करे मेरा गोबिंद तेरी कुदरत को कुर्बान। एक उस महाराज अकाल पुरख की कृपा है, दया है, उन्हां दी लगन है, उन्हां दी मेहनत है, उन्हां दा पिंड प्रति प्यार है ते गुरसिक्खी प्रति प्यार है, जिस करके गुरु महाराज की कृपा नाल वो इस अहुदे ते पहुँचे ने। ते सारे पिंड वासियां नूं उन्हां उत्ते बहुत ज़्यादा माण है, क्योंकि वो हर पिंड दे हर दुख ते सुख विच हाजिर भी हुंदे ने। हर तरह की सोशल एक्टिविटी अते रिलीजियस एक्टिविटी दे विच वो पूरी तरह अपना योगदान पाउंदे ने। अते इस करके ही पिंड वाले सारे इन्हां नूं दिल तों बहुत ज़्यादा प्यार करदे हन। अते सारे ही पिंड नगर वासी इहो ही अरदास करदे हन, दिन दुगनी ते रात चौगुनी होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। अज बेटा जिहड़ा आ करनल रैंक ते पहुंचिया, छोटी गल नहीं आ, पर मेहनत तुहाडी आ, की कहना चाहोगे? बस इत्थों ही फल मिलया, जो मिलया इत्थों ही फल झोली च पाया ते नगर दियां सीसां लगियां। अज दे सब दे ते पक्षा महाराज ने कृपा कीती ते अज वी इत्थे जाके नतमस्तक होया ते आशीर्वाद लिया। की माण महसूस करदे हो? अज इलाका सारा सड़कां ते आया इन्हां स्वागत करन वास्ते। सारे इलाके दा, नगर दा बहुत बहुत धन्नवाद कर रहे हां जी।
जिहड़ी एड्डी वड्डी महाराज ने कृपा की। बचपन तो सी इन्हां दी लगन सी अगे वधन दी? बचपन तो लगन सी, बचपन। किदां पढ़ाई करदे रहे आ? पढ़ाई बहुत वधिया करदे रहे ने, महाराज दी कृपा सी ते महाराज ने अपनी उंगली नाल ला के पढ़ाई कीती कराई आ ते इह मंजिल ते पहुंचे। किन्नी कठिनाइयां दा सामना करना पिया जदों इन्हां नूं पढ़ांदे रहे सी तुसीं? कठिनाइयां परमात्मा ने पूरियां करदा रहा, बाबा कौन बादशाह जी। अज उन्हां दी देण, उन्हें देण, उन्हें झोलियां भर दित्तियां। नगर का आशीर्वाद, इलाके का आशीर्वाद जोड़ा है, बहुत बहुत मन च खुशी हुई है, नगर के मन च भी खुशी हुई है, साढ़े मन च भी खुशी हुई है। परमात्मा योजना खुशियां खेड़े सबनों ती। थैंक यू। की ना तो अड़ा ते की कहना चाहोगे? मैं प्रगट सिंह, पिंड गादड़ियां का निवासी हाँ जी। तो अज जो संत बाबा हरिहरा सिंह की कृपा के नाल साढ़े वीर दवान सिंह जी ने यह मौका मिलया, असी संत बाबा हरिहरा सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं जी, धन्यवाद करते हैं। किस तरह सर ये इतों तक पहुँचे आ? सुनने को मिले कि बड़े थलेले लैवल तो इतों तक जी इन्होंने मेहनत करके पहुँचे आ। हाँ जी, इन्होंने जी बहुत लगन के नाल पढ़ाई की, शुरू तो साढ़े नाल ही पढ़ते रहे, सैकल तो असं बटाले तक जाते रहे, कट्ठे आते रहे, बहुत इन्होंने लगन के नाल इतों तक पहुँचे है जी, सख्त मेहनत नाल पहुँचे। इन्होंने छपाई पद तो शुरू किया? छपाई तो, छपाई तो हौली हौली तक पहुँचे, बाद च इन्होंने कमीशन प्राप्त किया जी। अज करनल अहुदे ते पहुंचे, अज पूरा इलाका पूरा पिंड अज सड़कां ते आ, की कहना चाहोगे? असीं पूरा माण महसूस करदे हां, साडा सीना जिहड़ा आ जी होर चौड़ा होया जी, साडा भरा जिहड़ा आ उह इस अहुदे ते पहुंचा, साडे पूरे इलाके नूं माण है। सर की कहना चाहोगे अज पिंड दे विच आए हो ते लोकां ने जो भरवां स्वागत कीता आ, खासकर गुरुद्वारे दे विच तुसीं मस्तक होए हो, की कहना चाहोगे? मैं अज अपने पिंड अपने नगर गादड़ियां दी संगत दे नाल इस युग दे महान संत संत बाबा हरिहरा सिंह जी के तप स्थान विखे नतमस्तक हुए हाँ। अज बड़ा माण महसूस कर रहे हाँ, उन्हों का आशीर्वाद है कि उन्होंने मैनू आशीर्वाद दे के अपनी बख्शिश दे के इतों तक पहुँचाया है। सर एडे वे अहदे पर पहुंचे हो, अज पूरा पिंड ते माण करता पाया, पूरा इलाका ते स्वागत वास्ते खड़िया है, की कहना चाहोगे? जिस तरह इन्हों माण है, मैनू भी अपने पिंड नगर के उत्ते इलाका निवासियों के सारे उत्ते इन्ना माण है, उन्हों का इन्ना सहयोग रहा है जिंदगी दे विच, मैं जिन्हों कभी भुल नहीं सकता। किस तरह सर इतों तक पहुँचते पहुँचते कड़िया कठिनाइया का सामना करना पाया, तो कितों अपनी शुरुआत की थी? मैं 1988 दे विच जॉइन की सी आर्मी मेडिकल कोर, और ये अज जिस स्थान पर खड़े हैं उन्हों की बख्शिश है कि मैं कभी कोई मुश्किल महसूस ही नहीं हुई, और उन्होंने हमेशा मेरे ते जो है वो सिर पर हाथ दे के रखा, और मैनू अज उन्हां दे चरणां दा उन्हां दा वोट आसरा मिलिया है, तो मैं इत्थों तक पहुँचा हाँ। शुरुआत पढ़ाई किदा कीती सी अपनी जिहड़ी जिंदगी दी, कित्थों पढ़ाई कीती, किदा इत्थे पहुँचे? जिस तरह दूसरे सारे करदे आ, मैं प्रायमरी स्कूल तो अपने पिंड तो कीती सीगी, और मैं गौरमेंट प्रायमरी स्कूल गादड़ियां तो, उस तो बाद डी ए वी हायर सैकेंडरी स्कूल बटाला विखे, फिर एक साल गौरमेंट हाई स्कूल घूमण कलां विखे, और इस तरह मैं शुरू आत की सी, और आर्मी ज्वाइन की। और किस पद तो आर्मी तुसीं शुरू की सी? मैं रैंक तो ज्वाइन की सी, और उस तो बाद मैनू जो है अहुदा प्राप्त होया। अज की मन महसूस हो रहा कि पिंड दे सारे पासे मैं देख रहा, चारे पासे लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं? बहुत मन महसूस हो रहा, मैं तो कहना कि ये कोई इन्हों का असीसा हैगी, और इन्होंने मेरा माण वधाया, मैं इन्हों का बहुत बहुत शुकराना करता हाँ। अपनी पोस्टिंग कितने हुई है और कदों होनी है? मैं नैक्सट मंथ चंडी मंदिर ज्वाइन करना है, और मैं सोचा सी कि और सारिया का अपने इलाका निवासियों का अपने नगर के सारी संगतों का आशीर्वाद लैके उत्थे जाने तो पहला मैं ये मेरा एक कोशिश सी, मेरा एक सपना सीगा जो मेरे नगर वासियों ने पूरा किया, मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े पिंड निवासी जिन्हें भी है बजुर्ग और मेरे भैन भरा जो भी ने, मैं सारे का बहुत तहे दिलों तो शुक्रगुजार हाँ, इन्होंने इन्नी ज़्यादा साथ दिता, और इन्हों की बदौलत इन्हों की असीसा ना ही असं पहुँच पाए हैं, नहीं तो असं शायद ना ही पहुँच पाते। हसबेंड अज इस अहदे पर पहुंचे हो, पर तपस्या ढाई सी पिछे, ये तो ड्यूटी से तुम बच्चों को सामभते, माँ प्यो सामभते, वो कि पूरी की? देखो जी साड़ी इन्नी ड्यूटी सख्त नहीं है, वो तो जिम्मेदारी है ही है ना, लेडीज़ परिवार को संभालना,
लेकिन जी इन्हों की ड्यूटी सब तो ज़्यादा सख्त सी। अज खुश हो जी? बहुत खुश हैं, अपने पेरेंट्स छड़ के दूर गए, अपने भैन भरा छड़ के दूर गए। गुरदासपुर तो लवप्रीत सिंह खुशीपुर की रिपोर्ट।